कोई काम इनको क्या लाडली बहना को फार्म नहीं भरा पाओ, वो फार्म भरो जाने तो कहते हैं भाई बहना साइन कीजिएगा, और साइन नहीं बनेगा तो लाडली बहना फिर एक इस्तेमाल करेगी ना, और ये है बाहर कर रहे हैं तो इसको बाहर करेंगे तो फिर फार्म नहीं भर पाएगा, इसलिए इसको बीच में रखना है। सभी लोग ऐसा मुट्ठी बांध के हाथ ऊंचा करेंगे, हाथ ऊंचा करेंगे सभी राजा रानी। हाँ, हमारे सम्मानी लक्ष्मण भाई की ओर से 50 रुपए की राशि बोल फड़ो पेनता सेवा सेवा। आवाज कछु कम आ रही है भैया, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? कंजूसी अगर करोगे, वो कहते हैं कि जिसका हाथ ऊपर उसकी जिंदगी सुपार, जिसका हाथ नीचे वो मंच के पीछे, तो इसलिए हाथ आपको ऊंचा करना पड़ेगा। अगर जिंदगी को सफल बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो हाथ ऊपर ही करना पड़ेगा। बोल फड़ा पेनता सेवा पेनता सेवा सेवा। गुरु जी धन्यवाद, यहाँ से आवाज कम आ रही है, यहाँ से ज्यादा आ रही है। अब भैया थोड़ी संख्या भी है ना गुरुदेव, यहाँ ज्यादा संख्या है, यहाँ थोड़ी कम है हमारे राजा लोग। ये तो राजे महाराज हैं भाई, गुरु भैया है तो राजे महाराजे, लेकिन थोड़ा सा कहा पावर घट गया है, क्योंकि आजकल नारी शक्ति चल रही है, पुरुष शक्ति तो बनी नहीं है। हाँ, है ना, तो नारी शक्ति महिला शक्तिकरण, तो इनका कोई शक्तिकरण नहीं है, ये नारी शक्ति है और ये सहन शक्ति है ना, इसलिए इनकी आवाज कम आ रही है। तो धन्यवाद, आप सभी बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ गौड़ी धर्म दर्शन की महिमा को आप लोग बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण कर रहे थे, बड़े एक चित के साथ आप लोग उस राजा बलि की महिमा को आप लोग श्रवण कर रहे थे कि राजा बलि के साथ क्या घटना घटती है, उससे आप आज परिचित हुए, और वही व्यवस्था आज हम सभी के बीच में भी घटित होने जा रही है और घटती भी जा रही है। तो हमें परम शक्ति बड़ादेव से ऐसा आशीर्वाद प्रण प्राप्त करना है कि हे बड़ादेव हम तुमसे प्रयाद करते हैं, कि हे बड़ादेव हम तुमसे प्रयाद करते हैं, कि मत भेज उन लुटेरों को जो समाज बर्बाद करते हैं, जो समाज बर्बाद करते हैं। ऐसी प्रार्थना करो, ऐसे लुटेरों को मत भेजना बड़ा देव, जिससे हमारी इज्जत लुटे, हमारी आबरू लुटे, हमारा धन लुटे, हमारा वैभव लुटे, हमारा सम्मान लुटे, ऐसी हमें फरियाद लगाना है देवा से। चलिए इसके बदले थोड़ी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात हम आगे प्रसंग की ओर आपको ले चलेंगे। कि तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तुम्हें अतल वितल हर पल छिन छिन, कि हे चितानंद सर्वज्ञ जहां, हे चंड अखंड प्रचंड महा, तुम्हें अजर अमर अविनाशी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि जल बीच तुम्ही अग्नि भी तुम्ही, उन चास पवन हो तुम्ही, तुम घट घट के वासी हो, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि आकाश तुम्ही पाताल तुम्ही, मुखरत रवि शशि के प्रकाश तुम्ही, तेरे गुण रूपी हे स्वामी, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तुम्हें अतल वित्तल हर पल छिन छिन, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जय जी नेता हे स्वामी, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, अर्पण भी तेरा, कि गति प्रगति प्रताप को जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। कि हे बड़ा देव तुम्हारी जय जय सेवा। बोलिए फड़ा पहनता
आपे समस्त मेरे कुलतुर समाज, आज छठवे दिवस की कड़ी में इस अनमोल समय को आप लोगों ने पहचाना और अपने को या पुनेम के सार को समझने के लिए आप अपना कृषि कार्य को छोड़कर आप इस पावन भैया कुनैम स्थल पर पहुंचे हैं। हम प्रकृति शक्ति बड़ा देव शंभु बाबा से आराधना करेंगे कि हे बाबा, मेरी को या समाज को ऐसी सतबुद्धि देना, ऐसा ज्ञान देना ताकि सदगति की ओर बढ़ें और आपकी सेवा में सदा विलीन रहें। ऐसी हमर्जी उस अनंत शक्ति प्रकृति शक्ति से करते हैं। तो आप सभी आज समझ सके कि हमारे राजा महाराजाओं को, और मैंने कल भी आपको अवगत कराया था कि इसे गुणवाना दीप के अंदर 24 अवतारों में भगवान आया और हमारे मूल निवासी राजाओं को मारा गया। उसी प्रकार उसमें एक अवतार था जिसको बामन अवतार कहा गया। बावन अवतार में राजा बलि को मारा गया, क्योंकि राजा बलि ऐसा दानी था, तीनों लोकों में उसकी ख्याति थी। उस राजा जैसा कोई दानी नहीं था, ऐसा दयावान राजा नहीं था, ऐसा शक्तिशाली जिसकी ख्याति तीनों लोकों में थी। यह बात जब उन अरबदेशिन को लगती है और सदपुरुषों ने कहा, आप लोगों को यज्ञ हवन करते हुए दान करें और वो भी इच्छा दान, तो राजा जो इच्छा होती थी वह दान लोगों को करता था। यह बात जब विष्णु भगवान को पता चलता है तो वह वामन का अवतार लेकर के राजा बलि के उस राज्य में पहुंचते हैं। राजा बलि के 99 यज्ञ हो चुके थे, उसका शतक बनने वाला था, यानी 100 यज्ञ पूर्ण होने के थे। इस बात की जानकारी जब भगवान विष्णु को लगती है तो वह वामन का अवतार धर के और राजा बलि के राज में उस यज्ञ में पहुंच जाते हैं और नाना प्रकार से प्रशंसा करते हैं। राजा बलि, तेरे जैसा कोई राजा नहीं है, तेरे जैसा दानी, तेरे जैसा महादानी, नाना प्रकार से प्रशंसा करते हैं। राजा भूल के कुप्पा हो गया, बोले महाराज आप तो कहिएगा कि क्या चाहिए आपको। तो वह महाराज कहते हैं कि देखो, देना पड़ेगा, बदल मत जाना। तो महाराज राजा बलि बोले कि आज तक जो भी आचक मेरे राज में आया वो खाली हाथ नहीं गया। इच्छा दान, हीरा मोती पन्ना पुखरा, जो भी इच्छा पड़ी मैंने उसको दान दिया हूं। छोटा सा बालक, 10-12 साल का बालक के रूप में वह बामन का अवतार लेकर के विष्णु भगवान पहुंचे हैं। राजा ने सोचा कि छोटा सा बालक है, कितना मांगेगा, 2-5-10 किलो या 2-5-10 पंसेरी ले जाएगा, इससे ज्यादा तो इसको चलने वाला नहीं है। बोले महाराज जल्दी कहो, क्योंकि मेरे को आवासन पे बैठ करके अब हवन करना है, यज्ञ चालू करवाना है। तो बोले दोगे, ऐसा 3 बार कहलवाया, बोले दोगे, बोले हाँ दूंगा, बोले दोगे, बोले हाँ दूंगा, बोले दोगे, बोले हाँ दूंगा। ये तिरवाचा हरवाया गया राजा बलि से, तिरवाचा 3 वचन हराए गए। तो उन्होंने क्या मांगा, जो गुरुजी ने बताया कि 3 पग भूमि। बोले महाराज ऐसा तो कुछ मांग लेते तो मुझे भी लगता मैंने कोई दान किया हूं। बोले मुझे भी लगता कि मैंने कुछ दान किया हूं,
बोले बस मेरे को इतना ही चाहिए आसन बनाने के लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो बोले नाप लीजिए। जब उस ब्राह्मण देवता ने जब तरती जब नापा तीन पग में, तो एक पग में पूरा धरातल नाप लिया और दूसरे पग में आकाश तल नाप लिया, तीसरा पग रखने को कोई जगह नहीं बची। तो बोले राजा बली तेरा वचन झूठा। बोले क्यों महाराज? बोले दो पग में सब नप गया, तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये कथा कोई अपरिचित नहीं है, भली भांति आप लोग जानते हैं और सुने भी हैं, ऐसा बड़े बड़े कथाकारों ने बताया कि एक पग में पूरी धरा तल नप गई और दूसरे पग में आकाश तल नप गया, लेकिन तीसरा पग रखने के लिए अब जगह नहीं बची। और वह वामन देवता बोला राजा तेरा वचन झूठा, क्योंकि दो टांग के बीच में जो अब आ गया वो सब मेरा हो गया और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं है। तो महाराज बोले मैं तो सत्य का पुजारी हूं, तीसरा पग मेरे सिर में रख लीजिए। ऐसा बताया ना भैया, कथा में ऐसे ही बताया गया कि तीसरा पग अब मेरे सिर में रख लीजिए, मेरी पीठ में रख लीजिए। लेकिन इसके पीछे रहस्य कुछ और है जो गुरुजी ने बताया कि उत्तर भारत का राजा बली था और दक्षिण भारत का राजा रावण था, किष्किंधा के राजा बाली और सुग्रीव थे, सारे राजा महाराजाओं का राजपाट अलग अलग था। जैसे आज की डेट में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णु शाह है, आदिवासी है, झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसे सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अलग अलग हैं और उनका अधिकार है वो अपने राज्य में जो योजना बनाए चाहे दान में दे चाहे देश बेच दे, वहां उनका अधिकार है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का अधिकार है, उनका अधिकार छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि वहां की मुखिया नहीं है ना। बे मुखिया हमारे मोहन सरकार मध्य प्रदेश की मुखिया है, वो छत्तीसगढ़ का मुखिया नहीं है। उसी प्रकार कुड़ारी पंचायत का सरपंच है, वो चांदौन का सरपंच अलग है, उसका अधिकार वहां है। वहां की लाडली बहनों को फार्म भराएगा, उनको लाडली बहना से जोड़ेगा, उनको आवास से जोड़ेगा, वृद्धा पेंशन से जोड़ेगा, आवास योजना से जोड़ेगा, वहां उसका अधिकार है। लेकिन दूसरी पंचायत उसका कोई अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं वहां, वहां वो एक आम आदमी है। सरपंच साहब तो है पर वहां कोई अधिकार नहीं, वहां का रोड नहीं बनवा सकता, क्योंकि वहां का मुखिया नहीं है। दिमाग लगाइए, यहां कथा में बताया जा रहा है कि राजा बलि ने पूरी धरा तल नपा दिया, आकाश तल नपा दिया, लेकिन वो तो उत्तर भारत का राजा था, दक्षिण भारत का राजा रावण था, किष्किंधा के राजा बाली और सुग्रीव थे, और राजा बलि उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का राजा था। तो उत्तर भारत की धरती वो दान में दे सकता है, लेकिन दक्षिण भारत की धरती दान में नहीं दे सकता, क्योंकि वहां का राजा दूसरा है। तो ऐसा हमारे दिमाग में डालकर प्रचारित किया गया, लेकिन वो तीन पग नहीं थे, तीन वचन थे। तीन वचन क्या थे? बोले राजन तेरे राज में मुझे तीन वचन चाहिए। तीन वचन क्या थे? भिक्षा, दूसरा शिक्षा, तीसरा अधिकार। ये तीन वचन चाहिए जिसको उन लोगों ने पर्दा डाल करके राप को तीन पग में आपके बीच में प्रचार किया, लेकिन वो तीन वचन थे, तीन पग नहीं थे, तीन वचन थे। क्या? शिक्षा, भिक्षा और शिक्षा और अधिकार। बोले हे राजा बली तेरे राज में मैं ही भिक्षा मांगूंगा और मैं ही शिक्षा दूंगा, और जो मैं कहूंगा वो सारी प्रजा मानेगी। बजाओ ताली।
बोले रे राजा बलि, मैं ही भिक्षा मांगूंगा, भिक्षा मांगने का अधिकार किसी को नहीं होगा। जो दान भी अगर देगा तो वो ही सिर्फ ब्राह्मण को ही दान देने लेने का अधिकार होगा और देने का अधिकार होगा। और जो ज्ञान भी देने का अधिकार, जैसे आज जो कोई अपने में हो रहा है, वो भागवत कथा पूजा ज्ञान देने का अधिकार भी सिर्फ हमको ही होगा, इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी किसी को नहीं होगा। दूसरा वचन, तीसरा जो मैं कहूंगा वो सारे लोग मानेंगे, तीसरा अधिकार हो गया, ये अधिकार हो गया। ये तीन वचन थे, भिक्षा शिक्षा और अधिकार, ये तीन वचन मांगे थे। आज के युग में वो तीन वचन प्रमाणित हो रहे हैं कि वही लोग मांग रहे भिक्षा और वही लोग दे रहे शिक्षा, और जो कह रहे वो भारत और दुनिया के लोग मान रहे हैं, मान रहे ना। उन्होंने कह दिया कि भैया उत्तरमुखी मकान बनाना तो जजमान उत्तरमुखी मकान बनाएगा। गुरुजी बोले हैं उत्तरमुखी मकान बनाना होगा, आपको इस समय ये कार्य करना होगा, इतने समय में पूजा करना होगा, इस दिशा में नहीं जाना होगा। आज लोग उसी रास्ते को अपना रहे हैं। और आंसों की देखो लीला, वैसा कि मैं भावर नहीं है, सारे लोग घबरा रहे हैं, भैया बेटा की शादी करना, भावर तो है ही नहीं है। भावर अभी है कि भैया फागुन में ब्याह करने, फागुन में गेहूं कटाई होने के भैया ब्याह करें, लेकिन हम बंध गए बंधन में, हम वेद के भेद में समझ नहीं पाए, उस वेद के भेद को समझ नहीं पा रहे और हम उसमें उलझ गए। आपका वेद है प्रकृति, प्रकृति वेद है आपका, जो हमने पहले आपको बताया भी कि प्रकृति के साथ हम चलने वाले लोग हैं, प्रकृति के साथ हम रहने वाले लोग हैं, प्रकृति के मार्ग से चलने वाले लोग हैं। लेकिन आज हम उस राजा बलि के राज में दिए गए हम वचन के बंधन में हैं, और उसी बंधन को उसने वहीं बांध दिया। तीन राउंड में, तीन राउंड लिया, चौथा नहीं लिया, दूसरा नहीं लिया, तीन राउंड मारे, क्योंकि तीन ही वचन राजा बलि से उस बामन देवता ने मांगे थे। तो तीन वचन मैं वही बोला हुआ। और हमारे लोग सोचते हैं कि गुरुजी कोई मंत्र बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, एन बंदो दानेन्द्रो बलि राजा महावला तीन त्वाम प्रति बांधना भी अमे रक्षे माचाल माचला। बोले जो मैं कह रहा था वो तू मान गया, मैंने जो कहा वो तू मान गया, और आज से तू मेरा ही गुलाम हो गया। हमारे लोगों ने सोचा गुरुजी बड़ा अच्छा सूत्र बांध दिए, और इतने ऐसे कुलारी से गाड़ी लेके चले और जाके चांदौन में एक्सीडेंट हो गया, रक्षा सूत्र काम नहीं किया। ये रक्षा सूत्र नहीं है मेरे सगाजन। हमारे गुणवाना की पूजा में, बड़ा देव पूजा में जाते हैं, जब आप लोग देव चढ़ाई में बताओ कौन पंडा बांधता है यहां कुसुम, जब आप सजोरी बिदरी खेरो बांधने की पूजा करते हैं कौन सा भूमका पंडा बताओ कुसुम बांधता है, जब अषाढ़ी पूजा होती कौन सा भूमका गुनिया पंडा कुसुम बांधता है बताइए मेरे को। कब से व्यवस्था चली है, कब से व्यवस्था चल गई है, और आज हमारे लोग बड़े वास है, भैया गुरु जी जरा बांध लीजिए, ये तुम्हारे दिमाग में डाला गया, इसलिए आज के बाद इस गुलामी को निकाल दीजिए, हम लोग नहीं बांधे, जब से हमको पता चला है कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप लोग जिनकी व्यवस्था में है वो करें, हमें कोई बुराई भलाई नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है, पर हम कोया पुनेमी लोग हैं, कोया पुनेम के मार्ग से चलने वाले लोग हैं, इसलिए आज के बाद इस बंधन से हम मुक्त हो जाना है, इसीलिए हमें आज के बाद कुसुम नहीं बंधवाना है, ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए सगाजन हम प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति कि हम प्रकृति के पुजारी, गोया दंडी के बोलनहार, मूर्ति के पूजक नहीं गोंडी धरा।